का सिंहासन सुदर्शन। मुंह से सभी ऐसा कहते हैं कि ये शरीर भी अपना नहीं, फिर भी लोग उन्हें ही अपना मानते हैं जो अपने नहीं होते। संसारियों का अपनत्व बेटे के प्रति बहुत होता है। बेटी होने पर प्राय माता पिता खिन्न हो जाते हैं। पराई धरोहर है, किसी दिन चली जाएगी। बेटा होने पर मन मयूर नाचने लगता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे में हमें कमा कर खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा। बुढ़ापे में भी लोगों की इच्छा घर पर रहने की होती है, वे बेटे से सेवा कराना चाहते हैं। ये बात दूसरी है कि बड़ा होकर बेटा कुपुत्र निकले, माँ बाप का तिरस्कार करे, फिर भी बेटे को अपना मानने की भ्रांत धारणा जल्दी नहीं मिटती। चंपापुरी के नगर सेठ की चिंता थी तो बेटे को लेकर ही, पर वह दूसरी तरह की चिंता थी। नगर सेठ चिंगदास और सेठानी अरहदासी इस सोच में थे कि हमारे पास जो अपार संपत्ति है, हमारे बाद इसे कौन भोगेगा। धन धर्म से प्राप्त होता है अवश्य, पर धनी उस धन को धर्म के लिए छोड़ देना नहीं चाहता। वह उसके लिए बेटा चाहता है, अपना न हो तो गोद लेने की सोचता है। गोद का ही सही, पर बेटा तो होना ही चाहिए। सेठ जिंदास ने किसी को गोद लेने का विचार नहीं किया, क्योंकि उन्हें क्षीण सी आशा थी कि कभी अपना ही बेटा हो जाए तो गोद वाला बेटा अपना होकर भी अपना नहीं रहेगा। पुत्र के अभाव में सेठ जिंदास अपना वात्सल्य बाल सेवक सुबक को देने लगे थे। सुबक एक अनाथ बालक था, वह सेठ जिंदास की गाय चराता था। सवेरे गाय लेकर जाता और संध्या को घर लौटा था। सेठानी अरहदासी उसे बेटा सुबक कहकर बोलती, और वह जब लकरुट लेकर घर से निकलता तो खाने का कुछ न कुछ देती और कहती, शाम तक भूखा रहेगा या ये खा लेना। सुबक प्रतिरोध करता, रहने दो मालकिन, खाकर तो जा रहा हूँ, शाम को आके ही खा लूँगा। बच्चे कई बार खाते हैं, जिंदास ने हमेशा के लिए सुबक को चुप कर दिया। तीन बार तो मुझे भी खाना चाहिए, सवेरे यहाँ से खाकर जा, दोपहर को जंगल में खाना और शाम को घर, अभी कभी इनकार मत करना। सुबक ने कृतज्ञ आँखों से शेर जिंदास को देखा और चल दिया जंगल की ओर। उसने फिर कभी खाने ले जाने के लिए इनकार नहीं किया। एक दिन सेठ जिंदास ने सेठानी से कहा, सेठानी क्यों ना हम सुबक को ही गोद ले लें, लड़का होनहार है, उसे गाय चरवाना छोड़कर पढ़ाना बिठा देंगे, अपना अपना ही होता है। सेठानी अरहदासी बोली, सुबक को प्यार मैं भी करती हूँ, पर उसे गोद लेने में संकोच होता है। लोग क्या कहेंगे कि नगर सेठ को गवाले का लड़का ही मिला। यदि सुबक तुम्हारी कोख से जन्म लेता, सेठ ने पूछा, तब तो तुम उसे अपना मान लेती। सो तो सुबक बहुत अच्छा लड़का है, सेठानी बोली, वो मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं धन्य होती, फिर गोद लेने न लेने से ही क्या होता है। सुबक को मैं बेटे से कम प्यार तो अब भी नहीं देती। एक दिन शाम को गाय लौट आई, पर उनके साथ सुबक नहीं लौटा। नगर सेठ जिंदास को चिंता हुई कि गायों के साथ सुबक क्यों नहीं लौटा, कहाँ रह गया सुबक। सेठानी अरहदासी भी व्याकुल हो गई। उन्होंने पति को उकसाया, बैठे बैठे चिंता ही करते रहोगे, जाकर ढूंढो उसे। सेठ जिंदास सुबक को ढूंढने जंगल की ओर चल दिए। सेठ सेठानी आज ही ये अनुभव कर पाए थे कि सुबक उनका सेवक होते हुए भी कितना अपना था, पुत्रवत अपना, उसके बिना ये सचमुच दुखी थे। श्रेष्ठी जिंदास को सुबक रास्ते में ही आता हुआ मिल गया। उसे साथ लेकर वे घर आए और पूछा, कहाँ रह गया था, तू गायों के साथ नहीं था। मैं तो आज एक ऐसा अचरज देखता रह गया कि घर लौटना ही भूल गया, सुबक ने बताया। मुंह पर मुंहपति लगाए कोई व्यक्ति पक्षी की तरह आकाश से उतरे और आंखें बंद करके बैठ गए। मैं उन्हीं को देखता रहा, फिर काफ़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और आकाश में उड़ गए। मैं उन्हीं के बारे में सोचता बैठा रहा, गाय जाने कब घर चली आई, मैं जान ही नहीं पाया। ऐसा अचंभा तो कभी मैंने सुना भी नहीं था जो आज आँखों से देखा। तू बड़ा भाग्यशाली है सुबक, श्रेष्ठी जिंदास ने कहा, तूने आज चारण मुनि के दर्शन किए। नवकार मंत्र के प्रभाव से साधक ऐसी लब्धि प्राप्त कर लेते हैं कि वे आकाश विहार करने लगते हैं। धन्य है तू, मैंने अनेक मुनियों के दर्शन किए हैं, पर आकाशचारी मुनि आज तक मैंने भी नहीं देखे। तो नवकार मंत्र में ऐसी शक्ति होती है, सुबक ने सहज जिज्ञासा प्रकट की। फिर तो मैं भी इस मंत्र को सीखूंगा। श्रेष्ठी जिंदास बालक सुबक की सहज धार्मिकता पर प्रसन्न हुए और 100 काम छोड़कर उसे नवकार मंत्र रटाने लगे। मंत्र के अर्थ अभिप्राय भी उसके समझा दिए और ये विश्वास भी दृढ़ करा दिया कि नवकार मंत्र सब मंगलों को करने वाला है। इस मंत्र का विश्वासी जापक कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। सुबक इतना विश्वासी और श्रद्धावान हो गया कि मंत्र का जाप करते करते ही सोता था। गाय चराते हुए भी वह मंत्र जाप करता रहता।
एक दिन जंगल में घनघोर वर्षा हुई। सुबह गिर गया। रात गए तक वर्षा बंद नहीं हुई और सुबह जंगल में ही गिरा रहा। वह मंत्र जाप कर रहा था, एकाएक उस पर बिजली गिरी और वह मर गया। उसी रात सेठानी अर्हदासी ने गर्भ धारण किया और सुबह का जीव ही सेठानी के गर्भ में स्थित हुआ। सवेरे श्रेष्ठ जिंदास ने शोक विहल दशा में सुबह का अंतिम संस्कार किया। फिर भी सेठ सेठानी का शोक एक अनाथ पर दया जैसा ही था, अपनत्व का नहीं। जो भी हो, सुबह का शोक भूलने लगे सेठ सेठानी। मैं गर्भवती हूँ इसकी खुशी थी सेठानी अर्हदासी को। उन्हें क्या पता था कि हमारा ग्वाला ही हमारा पुत्र बनेगा। समय बीता, सेठानी अर्हदासी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर से जिंदास ने बहुत दान पुण्य किया। चंपापुरी के राजा दधिवाहन ने भी जिंदास को पुत्र जन्म की बधाई भेजी, क्योंकि वे नगर सेठ थे। नगर सेठ जिंदास ने अपने पुत्र का नाम सुदर्शन रखा। धीरे धीरे बड़ा होने लगा सुदर्शन। 5 दाए और अनेक दासियां सुदर्शन की देखभाल के लिए थी। बड़ा होकर सुदर्शन विद्यालय गया। उसने 72 कलाएं में योग्यता प्राप्त की। वह बहुत ही विनयी, शिष्ट, मृदुभाषी, सुयोग्य, गुणी और धर्मप्राण था। नगर भर में सुदर्शन की सराहना होती थी। राजा दधिवान भी उसे चाहने लगे थे। नगर सेठ जिंदास ने सुदर्शन का विवाह मनोरमा नामक श्रेष्ठी कन्या के साथ कर दिया। मनोरमा बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। पुत्र और पुत्रवधु को घर का 100 भार सौंप सेठ सेठानी ने निश्चिंत होकर धर्माराधन शुरू कर दिया। वे पौषधशाला में रहने लगे। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था। सेठ जिंदास और सेठानी अर्हदासी परलोकवासी हो गए। चंपापुरी के व्यापारियों की सहमति और चंपा नरेश दधिवान के आग्रह से अब सुदर्शन ही नगर सेठ बना। वह श्रेष्ठी समाज में सम्मानित था। अपनी अतिशय उदारता, दानवीरता और योग्यता के कारण तो सेठ सुदर्शन सबको अच्छा लगता ही था। अति धर्मज्ञता के कारण भी वह सबके लिए श्रद्धेय था। धर्म प्रेम के कारण ही नगर सेठ सुदर्शन राजपुरोहित कपिल का मित्र बना। राजपुरोहित कपिल और नगर सेठ सुदर्शन दोनों के आसन राजसभा में थे। दोनों समवयस्क थे। राजसभा में उठने के बाद दोनों धर्म चर्चा करते थे और एक दूसरे के घर आते जाते थे। फिर तो दोनों घनिष्ठ मित्र ही बन गए। ऐसे मित्र की दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। राजपुरोहित कपिल को एकाएक ही राजकाज से बाहर जाना पड़ा, चंपापुरी से बाहर। उसके जाने पर कपिला ने बहुत खुशी मनाई, क्योंकि वह उसकी अनुपस्थिति में अपनी बहुत दिनों को चाह पूरा करना चाहती थी। कपिला राजपुरोहित कपिल की पत्नी थी। वह अत्यंत सुंदर भी थी। जितनी वह सुंदर थी उससे भी ज़्यादा वह स्वयं को सुंदर समझती थी। अपने पति कपिल के जाने के बाद उसने अपना नख शिख श्रृंगार किया और दर्पण में अपनी छवि देखकर मुस्कुराई, मानो अपने पर ही रिझ गई हो। कपिला ने मन ही मन कहा, वह भी देखेगा तो झूम उठेगा, अपने भाग्य को सराहेगा। कपिला ने अपनी एक अंतरंग दासी को बुलाया। उसने एक ही दासी थी। कपिला ने उससे कहा, तुझसे मेरी छा छिपी नहीं है, जा सुदर्शन को बुला ला, कहना उनके मित्र पुरोहित कपिल की तबीयत बहुत खराब है। दासी चल दी। सुदर्शन से उसने वैसे ही कह दिया जैसा कपिला ने उसे बताया था। बिना देर किए सुदर्शन कपिल के घर पहुंचा। दासी उस कपिला के कक्ष में छोड़ आई। सुदर्शन ने चारों ओर देखा पर कपिल तो था ही नहीं। हंसती मुस्कुराती आई कपिला। उसने कहा, बैठिए, ऐसी जल्दी क्या है, वे ठीक है, घबराइए नहीं, मुझे आपसे कुछ काम है। कपिला का काम सुदर्शन समझ गया। रही सही बात कपिला की मुस्कुराहट ने बता दी। सुदर्शन ने मुड़कर देखा तो कक्ष का द्वार बंद था। बैठ गया वह, बोला, मेरे लायक जो भी काम हो आप जल्दी बताइए, मैं उसे पूरा करूँगा। पर कपिल कहाँ है? वे नहीं है, कपिला ने कहा। मेरा काम आप उनकी अनुपस्थिति में ही करेंगे, इसलिए मैंने आपको उनके चले जाने पर बुलाया। काम तो आप समझ ही गए होंगे, देर तो आप ही कर रहे हैं। मैं इतना समझदार नहीं हूँ देवी, सुदर्शन ने अनजान बनकर कहा, आप ही बता दीजिए। तुम्हारे गठिले बदन और सुंदर रूप को देखकर एक बार तो स्वर्ग की अप्सरा भी मर मिटेगी, कपिला बोली। मैंने तुम्हें जब से देखा है तभी से समर्पित हूँ, मुझे भोग का दान दो, मैं याचना कर रही। हंसने लगा सुदर्शन। बड़ी देर तक हंसता रहा। कपिला को लगा कि सुदर्शन अपने सौभाग्य पर हंस रहा है कि अप्सरा से कपिला उस पर लट्टू है। अंत उसने कहा, भाग्यशाली तुम नहीं मैं हूँ, तुम जैसा रूपवान पति पाने वाली मनोरमा धन्य है, आज मुझे भी धन्य करो।
मैं तो अपने दुर्भाग्य पर हंस रहा हूँ देवी, सुदर्शन ने कहा। जैसा तुम मुझे समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। काश मैं तुम्हारा भोग कर पाता, मैं तो शेर की खाल ओढ़े हुए मात्र गीदड़ हूँ। दिखाई में कुछ देता हूँ और मैं वास्तव में कुछ और ही। अब तो मेरी लाश तुम्हारे हाथ है, मेरी बदनामी मत कर देना वरना मैं चंपापुरी में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। आखिर बात क्या है? कपिला आश्चर्य में पड़ गई। तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो नगर सेठ? कदापि नहीं, तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर मैं अपने को धन्य कर लेता, सुदर्शन ने कहा। यदि तुम किसी को न बताओ तो मैं अपना ये रहस्य तुम्हें बता दूं, जिसे मैं और मेरी पत्नी दो ही जानते हैं। कपिला को सुदर्शन पर दया आने लगी। वह बहुत कुछ समझ भी चुकी थी, फिर भी उसने सुदर्शन को वचन दिया कि किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तब सुदर्शन ने उसे बताया, मैं दिखने में हट्टा कट्टा घटीला युवक हूँ पर वास्तव में नपुंसक और स्त्री के सर्वथा अयोग्य हूँ। दूर के ढोल सुहावने होते देवी, तो तुम्हारे चार पुत्र कपिला जैसे आकाश से गिरी, क्या सची की मनोरमा? मेरे मुंह से क्या कहलवाती हो, सुदर्शन बोला। रहस्य को रहस्य ही रहने दो, यदि तुमने किसी से कुछ कहा तो मेरे साथ मेरी पत्नी मनोरमा की भी बदनामी होगी। कपिला को क्रोध आया, सुदर्शन पर नहीं बल्कि अपनी मूर्खता पर। सुदर्शन सेवल का फूल निकला, उसने उपेक्षा से कहा, तो फिर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? सुदर्शन अपना मुँह लेकर चला गया। घायल नागिन सी पड़ी कपिला पश्चाती रही। उसे अपना भी डर था कि कहीं सुदर्शन किसी से ये न कह दे कि मैंने उसे क्यों बुलाया था, पर वह किसी से कहेगा नहीं क्योंकि उसे भी तो अपनी बदनामी का डर है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, रहस्य रहस्य हो रहा। कपिला और सुदर्शन का रहस्य दोनों ही जानते थे। कालांतर में दोनों के जीवन की एक उक्त घटना भुलावे में पड़ गई, दोनों का जीवन सामान्य बन गया। रात पुरोहित कपिल जब लौट कर आया तो उसे ये भी मालूम नहीं हुआ कि मेरा मित्र सुदर्शन मेरे पीछे मेरे घर भी आया था। वह अपनी पत्नी कपिला को प्रतिव्रता ही समझता था। जब वह घर आया था तो कपिला ने रोकर कहा था, नाथ आपने तो 15 दिन लगा दिए, आपको क्या मालूम कि आपके वियोग में 15 दिन मैंने कैसे काटे थे। नारी का चारित्र इसी तरह रहस्यमय होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्शन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।